नमस्कार बच्चों, अब हम आज संधि पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो संधि में हम सबसे पहले इसकी अर्थ और इसकी परिभाषा देखेंगे कि संधि किसे कहते हैं और संधि विच्छेद किसे कहते हैं। उसके बाद हम संधि के भेद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संधि देखें। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मेल, जहां स्वरों के व्यंजनों के का मेल होता है और मुख्य रूप से वर्णों के मेल या जोड़ को ही संधि कहते हैं। जैसे देव धन आलय तो देवालय, यहाँ इन दोनों स्वरों के मेल को ही यहाँ पर संधि कहा गया है। उत प्लस लास उल्लास, तो यहाँ पर उचित और सही विकार से उत्पन्न मेल को ही संधि कहा जाएगा। दो समीपवर्ती वर्णों के पास पास आने से, यानी जो वर्ण है, दो समीपवर्ती वर्ण का मतलब है कि दो वर्ण, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, उनके पास पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार सहित जो मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब ये तो हो गई संधि यानी मेल या जोड़। अब विच्छेदन करना यानी उस मेल को अलग-अलग करना। संधि के अनुसार मिले हुए वर्ण या अक्षरों को अलग-अलग करके संधि से पहले की स्थिति में पहुंचा देना, यानी जैसी स्थिति वो पहले थी। जैसे यहाँ पर है देवालय, तो इनको अलग-अलग करके देव प्लस आलय की स्थिति में वापस पहुंचा देने को ही वर्ण विच्छेद संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि संधि के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग-अलग करके संधि से पहले की स्थिति में पहुंचा देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम संधि की बात करें कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हम स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले संधि के शब्दों को देखेंगे। व्यंजन संधि में हम व्यंजनों के मेल से उत्पन्न होने वाले कुल शब्दों को देखेंगे। वहीं विसर्ग में विसर्ग की मात्रा, विसर्ग के चिन्ह से उत्पन्न होने वाले विकार से उत्पन्न होने वाली संधि के शब्दों को देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे स्वर संधि की। और अगर हम देखें तो स्वर यानी कि ऐसे लेके तक, यानी यहाँ पर स्वर संधि में हम स्वरों के मेल से उत्पन्न होने पर विकार से जो मेल होता है वो कितने प्रकार का होता है हम देखेंगे। तो यहाँ हम स्वर संधि की जब हम बात करते हैं तो स्वर संधि भी हमारे 5 प्रकार की है। स्वर संधि के अगर प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अपना दीर्घ संधि, यानी बड़ा स्वर बनना, यानी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की अगर हम बात करें तो हमें याद होने चाहिए कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर अगर हम बात करें स्वर संधि की तो स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, जिसमें है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। तो दीर्घ स्वर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें देखा जाता है कि समीपवर्ती दो स्वर जब आपस में पास पास आते हैं तो इसमें दीर्घ हो जाता है। यानी यहाँ पर सिंपल से फार्मूले से हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर यानी बड़ा स्वर, बड़ा स्वर बन जाता है। यदि किसी शब्द में ए और ए है तो उसका बड़ा स्वर होगा आ, और ए और आ का मेल होने पर भी आ ही होगा। ई और ई के मेल होने पर बड़ी ई होगा, यानी दीर्घ ही बनेगा हर कंडीशन में। अगर छोटी ई और बड़ी, छोटी ई और छोटी ई है तो बड़ी ई बनेगी। अगर बड़ी ई बड़ी है तब भी मेल से बड़ी ही बनेगी, क्योंकि हमारी संधि है दीर्घ यानी बड़ी। छोटी और बड़ी के मेल से भी बड़ी बनेगी। छोटे और छोटे को मिलकर भी नया शब्द बड़ा है, उनकी मात्रा ही बनेगी। यानी हर कंडीशन में दीर्घ स्वर ही बनेगा। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि दीर्घ माने बड़ा स्वर बनेगा। तो ए और ए होने पर आ होने पर भी आ, और ई होने पर भी ई, बड़ी ई होने पर भी ई। इस तरह से छोटा और मिलके भी बड़ा हो, और बड़ा वो बड़ा वो मिलके भी बड़ा वो ही बनेगा। यानी हर कंडीशन में हमें अपने दिमाग पे ध्यान रखना है दीर्घ यानी
बड़ा स्वर दीर्घ। तो हम यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे ए और ए किसी शब्द के मेल में आ रहा है तो क्या बनेगा बच्चों दीर्घ में आ। जैसे यहाँ पर शब्द है निम्न अंकित। अब यहाँ पर आप देखें ध्यान से कि सब लोग अपनी अपनी ग्रामर भी खोलेंगे, ग्रामर भी इसके उदाहरण है और यहाँ पर निम्न धन अंकित है। तो इसमें हम देखेंगे कि ए और ए कहाँ आ रहा है, न और ए, तो न के अंदर क्या है ये भी है ए, यानी न के अंदर ए का स्वर। आपने जो वर्ण विच्छेद किए थे तो आपको पता है कि हर जो व्यंजन है उसके अंदर भी स्वर होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि न और ए, तो यहाँ पर ए है और ये भी ए है। अब ये दोनों मिलके दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ, तो दीर्घ का क्या बनेगा आ। तो ये न और ये ए मिलकर क्या हो जाएगा ना, ये ए इसके अंदर आ जाएगा लेकिन बड़ा हो जाएगा दीर्घ, तो हो जाएगा निम्नांकित। यहाँ पर ये क्या हो गया आ, निम्नांकित। बाकी की मात्रा वैसी की वैसी लग जाएगी, तो क्या हो गया निम्नांकित। इसी प्रकार से ए और आ मिलकर भी आ होगा। तो यहाँ पर उदाहरण है भोजन धन आलय, ये ए है और ये आ है, तो ये दोनों भी मिलकर क्या हो जाएगा दीर्घ भोजन। ये देखिए यहाँ पर ना हो गया, ये भोजन ने की मात्रा की जगह आ की मात्रा लगी, भोजनालय। इसी प्रकार से छोटी और छोटी ही मिलकर क्या हो जाएगा दीर्घ बड़ी ही, तो क्या हुआ कवि धन इंद्र। अब यहाँ पर देखिए कवि में छोटी की मात्रा है तो छोटी, यहाँ पर भी छोटी है, तो दोनों छोटी ही मिलकर क्या हो जाएगा बड़ी ही, क्योंकि दीर्घ स्वर, तो क्या हो जाएगा कवींद्र। और बाकी की मात्राएं वैसे की वैसे लग जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है बड़ी और बड़ी, तो बड़ी और बड़ी मिलकर भी बड़ी ही बनेगा। जानकीश, यहाँ पर भी बड़ी मात्रा है, यहाँ पर भी बड़ी है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बड़ी ही जानकीश, और ये भी हट जाएगा। इस तरह से देखिए छोटी और बड़ी मिलकर भी क्या होगा बड़ी ही होगा। परी धन इच्छा, तो आप हमेशा परीक्षा में छोटी मात्रा लगाते हैं और अब संधि करने के बाद कभी भी परीक्षा लिखते समय छोटी मात्रा नहीं लगानी है, क्योंकि परीक्षा में हमेशा बड़ी मात्रा का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये भी दीर्घ संधि का ही शब्द है। ये देखिए परी धन इच्छा, तो छोटी ही और बड़ी ही मिलके क्या हो जाएगा बड़ी ही। तो परीक्षा हमेशा ध्यान रखिए परीक्षा में बड़ी मात्रा लगेगी। छोटा हो और छोटा हो मिलके क्या होगा बड़ा हो। अनु धन उदित, अनुदित, यहाँ पर बड़ी मात्रा लग जाएगी। छोटा बड़ा हो और बड़ा हो मिलके क्या बनेगा बड़ा हो ही बनेगा, क्योंकि दीर्घ है। वधु धन उर्मी, वधूर्मी, वही देखिए छोटा हो और बड़ा हो मिलके भी बड़ा हो होगा, साधु छोटा हो और ये हमारा छोटा हो, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे छोटा हो मिलके बड़ा हो, साधु जा बड़ा हो। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि दीर्घ संधि में हमारा आगे वाला बड़ा स्वर आता है, ए और ए मिलकर आ, ई और ई मिलके बड़ी, ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ। तो इस तरह से हमारा जो है दीर्घ, यानी दीर्घ माने आपको ध्यान रखना है बड़ा स्वर, दीर्घ स्वर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा दीर्घ संधि, स्वर संधि का एक उपरूप हमने देखा दीर्घ संधि। संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यही हम स्वर संधि के उप प्रकारों को देखें, इसमें है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और आज हमने पढ़ा है दीर्घ संधि, जिसमें हमारा आगे का बड़ा वाला स्वर बनता है, ए और ए मिलकर आ, ई और ई मिलके बड़ी, ऊ और ऊ मिलके बड़ा हो। तो बच्चों आशा है आपको ये उदाहरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे गुण संधि और वृद्धि संधि। तो इस तरह से हमने ये देख लिया, एक बार हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मेल, मुख्य रूप से वर्णों के मेल या जोड़ को संधि कहते हैं, जिसे देव धन आदि देवा। दो संवर्ती वर्णों के पास पास आने से जो मेल सहित विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। अब नजदीक आने से संधि कहलाती है, और उन्हीं शब्दों को जब अलग अलग कर दिया जाता है तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देव धनालय मिलकर देवालय, ये संधि हो गया। अब इनको पूर्व की स्थिति में लाने के लिए दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा, ये विच्छेद हो जाएगा। इस तरह से हमने संधि के अर्थ को जाना और उसके प्रकार को जाना।
अंत में हमने यहाँ पे देखा था संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हम स्वर का मेल देखेंगे, व्यंजन का मेल देखेंगे और यहाँ पर हम विसर्ग की मात्रा का मेल देखेंगे। हमने आज देखा कि स्वर संधि के भी पांच उप स्वर होते, उप संधि होती है, जहां पर हमने देखा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाति संधि। और दीर्घ संधि में हमने देखा जिसमें बड़ा स्वर हो जाता है, जब भी दो स्वरों के मेल होते हैं तो उससे बड़ा वाला होता है, दीर्घ वाला होता है, यानी ए और ए मिलकर आ, ई ओ ई मिलके भी बड़ी और ओ ओ मिलके भी बड़ा होगा, यानी हर कंडीशन में बड़ा वाला बनेगा, यानी दीर्घ स्वर बनेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपने ग्रामर की बुक से स्वर संधि के उप भाग दीर्घ संधि के कम से कम 10 या 15 उदाहरण अपनी नोटबुक में करेंगे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।